ओनली वेज पीपल कैन अंडरस्टैंड। और बाहर बहुत शोर हो रहा है, बॉलीवुड इंडियन कुजीन और इंडियन सॉन्ग चल रहा है, कॉपीराइट म्यूजिक। तो मैं यहाँ आई हूँ अपने ब्रेकफास्ट के लिए, बाकी चीज़ होंगी अब वॉइस ओवर में क्योंकि कॉपीराइट म्यूजिक चल रहा है। ब्रेकफास्ट में मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था आलू का पराठा और चाय। पराठे का टेस्ट अगर इंडियन पराठे से तुलना करो तो ओके ओके, चाय का टेस्ट भी ओके ओके ही था। रास्ते देखो यहाँ के बाली के, है ही नहीं कुछ। ये टू वे है, इतना सा रास्ता टू वे है। अरे बाप रे, थैंक यू। ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बहुत रिस्की है यहाँ बाइक चलाना। ऐसे ऐसे रास्ते हैं कि तुम्हें भगवान के पास ले जाएंगे। अच्छी बात है, वो रास्ते में रिकॉर्ड नहीं कर सकती है तो खुद को ही पकड़ सकती हूँ उस बाइक के साथ, या मैं अपना फोन ही पकड़ सकती हूँ। लेकिन ऐसे व्यू है, डेढ़ या दो घंटे की राइड के बाद मैं मंदिर तो पहुंच गई हूँ, लेकिन मैं मंदिर के अंदर नहीं जा सकती क्योंकि मुझे पीरियड्स हो गए हैं। तो मैं यहीं बैठूंगी, पर मंदिर अंदर से कैसा है उसकी मैं वीडियो डाल दूंगी। एंड ये मंदिर भी फ्री नहीं है, मतलब और इवन दो यार मंदिर में तो वॉशरूम यू नो फ्री होना चाहिए, मंदिर में भी वॉशरूम के पैसे दो, ये थोड़ा वियर्ड लगा मुझे। एनीवे, थोड़ा सा अजीब है बाली में सब कुछ, लाइक हर मंदिर के पैसे हैं गॉट इट, बट मंदिर के अंदर वॉशरूम के पैसे हैं वियर्ड। सो यार मुझे यहीं वेट करना है। मेरे फोटोग्राफ में मेरे कपड़े अलग हैं, लेकिन एक्चुअल में मेरे कपड़े कुछ हो रहे हैं। 90% में मैं ये पजामे और इस रेड शर्ट में हूँ। सो ये है मंदिर का एंट्रेंस। अगर आप सीधा जाओगे तो आपको एक गेट दिख रहा होगा, ये वैसा सा ही गेट है जैसा मैं फर्स्ट डे जब गई थी बाली पे उसके लिए मैंने 3 घंटे वेट किया था। इस पे भी आप फोटो क्लिक करा सकते हो, वो ज़्यादा फेमस है तो वहाँ पे ज़्यादा पब्लिक जाती है। तो अगर आपको 3 घंटे अपने वेस्ट नहीं करने तो आप यहाँ पे भी फोटो क्लिक करा सकते हो। सेम वैसा ही बनाया हुआ है गेट भी। आसपास के नज़ारे बहुत ज़्यादा सुंदर थे, काफ़ी क्लीन साफ सुथरा और हरा भरा था ये पूरा का पूरा टेंपल। और यहाँ पे है ये एक्चुअल टेंपल जिस पे आप देख सकते हो। मंदिर में तो जा सकते हो लेकिन जो भगवान जी हैं उनको नहीं देख सकते, वहाँ पे पर्दा लगा हुआ है, वहाँ पे सिर्फ बाली के लोग जाके ही पूजा कर सकते हैं, हमारे लिए बंद है। एंड ये है ओवरऑल लुक, बहुत खूबसूरत है। एक तो पॉल्यूशन नहीं है, इतना साफ़ है, बादल इतने अच्छे लग रहे हैं, हर जगह ग्रीनरी है, बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा और अच्छा लग रहा था। व्यू बहुत कमाल के हैं, मंदिर का बता नहीं पर मंदिर के व्यूज़ अमेजिंग है। और यहाँ पर भी कुछ बनाया हुआ है, पहले शायद जा सकते थे, इस टाइम पर गेट बंद किया हुआ है तो साइड में से फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे सब अपनी फ़ोटो क्लिक करा रहे थे, मैं अंदर नहीं जा सकी जस्ट बिकॉज ऑफ पीरियड्स। एनीवे ये जगह भी बहुत सुंदर थी, साफ़ सुथरी, सुंदर, फोटोजेनिक तो डेफिनेटली है। एक और गेट इन केस मिस कर रहे हो कुछ, तो इस तरह के गेट काफ़ी सारे दिख जाएंगे, तो ज़रूरी नहीं है आप अपने 3 घंटे एक ही गेट पे बिताओ। जा रही हूँ वाटरफॉल क्योंकि जो भी था वो मंदिर और वहाँ तो मैं बस पैर रख के आई हूँ। तो ये रास्ता है वाटरफॉल के लिए, एंड यहाँ के रास्ते बस पूछो मत, ऐसा है कि टायर का साइज देख के रास्ते बताते हैं। व्यू यार बहुत खूबसूरत है। मैं पहुंच गई हूँ उस प्लेस पे जहाँ पे है वाटरफॉल, एंड ये भी फ्री नहीं है, इसके भी पैसे और इन्होंने दिया है ये फ्री ड्रिंक, फ्री है ये, फ्री नहीं है, पैसे दे चुकी हूँ। ये जहर है, एक्सक्यूज मी व्हाट इज दिस, टर्मरिक, टर्मरिक, दिस इज वेलकम ड्रिंक इन हियर, ओह या दैट इज ट्रेडिशनल ड्रिंक इन इंडोनेशियन, ओह मेड फ्रॉम टर्मरिक, टामरिन एंड पाम शुगर। Oh, it does not taste good. हल्दी पिला दी यार, मेरे ड्रेस इसमें रखी हुई है, अब कुछ होगा तो होगा क्योंकि डिग्गी में बिल्कुल जगह नहीं है। किसी से पूछा यहाँ का वाटरफॉल इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा कल का था, लेकिन कल हम लेट पहुँचे थे बहुत। टिकट, दिस इज सो बैड, हर जगह की टिकट नहीं होनी चाहिए, कुछ जगह की तो यहाँ तक की टिकट तो छोड़ो, टॉयलेट जाने के भी पैसे हैं। सारे
जा रही हूँ उसके प्यार में कूदने। दिखा दो। एक्चुअली खाई वहाँ पे है, यहाँ पे थोड़ा सा बनाया हुआ है ताकि तुम फोटो ले सको। तो मेरी फोटोज डन हो गई। पे ये एक और है, वो स्विंग के लिए है। यहाँ पे एक और है, इस बार तो पूरा खाई वाला है। वो वाला वो था, वहाँ पे खाई नहीं थी, यहाँ पे तो खाई है। ओ भाई पूरी खाई है, गिरी तो गई। जा रही हूँ वाटरफॉल की तरफ। हाय चिकन्स, हाय मामा। नाउ आई गेट इट, लोगों ऐसे हाँप क्यों रहे थे? मतलब ऑब्वियसली बात है, उतरना आसान है, चढ़ना मुश्किल है। चढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उतरना तो बहुत ईजी है। मतलब वाटरफॉल बहुत नीचे है। हाय, वो सेम मेरी बिकनी के जैसे ही है। दिस इज सो ब्यूटीफुल। अभी कोई है नहीं, मैं अपना कैमरा रखती हूँ यहाँ पे। ये पानी बहुत साफ था, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी स्पाइडर्स थी, तो अगर किसी को स्पाइडर से डर लगता है तो बहुत देखने को मिलेंगी। मुझे स्विमिंग नहीं आती है, मुझे हर चीज़ से डर लगता है, लेकिन मुझे फिर भी हर चीज़ ट्राई करनी है। और अभी देखो क्या हुआ, मेरा पैर टूटते हुए बचा है, बहुत स्लिप रहते हुए है पत्थर। कल प्रॉब्लम स्टमक दिख रहा है, स्टमक दिख रहा है, तो वो पोज बता रही है उसको कि ऐसे करो ऐसे करो। बाय गाइस, हेल्प अस टू क्लिक माय पिक्चर्स। And now I'm going back. अब ठंड लग रही है, बहुत ठंडा पानी है। Family vacation. इनका अलग family vacation चल रहा है। मम्मी पापा ने इतने सारे बच्चे। I think I should do this. फिर मुझे realize होती है हालत क्या होगी। तो drop this. नहीं कर सकती मैं। Waterfall अच्छा है, कल वाला भी अच्छा था, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, अंधेरा हो गया था। बट ये वाला मस्त है फ़ोटो क्लिक कराने के लिए, नहाने के लिए भी थोड़ा गहरा है, बट मुझे मज़ा आया। चलना बहुत पड़ेगा इसके लिए, एटलीस्ट 15 मिनट का ट्रैक है इसके लिए, इतना भी पास में नहीं है। आसपास का व्यू भी अच्छा है। मुझे यहाँ की फोटोजेनिक प्लेस से वाटरफॉल पसंद आ रहा है। आई लव वाटरफॉल, आई एम हैप्पी टू बी हेयर। मेरे ये खुल गया, इसे बंद करना पड़ेगा। हाय, एक कैमरा कैप्चर कर उसको। पैर में चोट लग गई है। एक्चुअली मैं एक वीडियो का शॉट ले रही थी, पानी से बाहर आई, सीधा चल रही थी, पत्थर था दिखाई नहीं, और मेरा पैर में लग गई, इसलिए मैं बूट्स पहन रही हूँ। जब भी मैं अपनी चप्पल वगैरह पहनती हूँ मेरे पैर में चोट लग जाती है। कपड़े बदलने की निंजा टेक्निक मैं इसी के ऊपर पहन लूँगी। सिर्फ फोटो क्लिक करने के लिए, रियलिटी कुछ और होती है मेरी। ये भी कवर रहता है, मास्क, चश्मा, हेलमेट, ये है रियलिटी। KFC का भाई, JFC, जया फ्राइड चिकन। मुझे यहाँ जाना है, पूछना है नो एग नो मीट, ऐसे पता चलता है वेज फूड है या नहीं है। नो एग नो मीट। बारिश आनी स्टार्ट हो गई। पूरे रास्ते में सिर्फ आइसक्रीम है। सो मैं खा रही हूँ बोबा संडे। मेरा फ़ोन पता नहीं क्यों फोटो कैप्चर कर रहा है। तो मैंने अपने लिए बोबा संडे ऑर्डर किए। लस्सी कैसा टेस्ट है, दिखने में तो अच्छे लग रहे हैं यहाँ के इसके। बोबा संडे लुक्स गुड। फ्राइड राइस खा खा के फ्राई हो चुकी हूँ मैं। क्या रोड है ये, पूरा एकदम सीधा। अरे उन्हें पता है रोड चल रहा है, फिर भी अजीब है यार।
ज़्यादा कहीं घूमने नहीं गई। एक तो मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, पीरियड्स हो गए, 21 दिन तक घूम घूम के थोड़ी सी एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ। वैसे मुझे मज़ा आता है बट थोड़ी सी आई गेस। तो अभी मैंने शूट किया है ये पूरा रिजॉर्ट का टूर, एंड अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और फिर मैं जाऊँगी डिनर के लिए। डिनर पर यू नो कुछ मिलेगा तो है नहीं, बट फिर भी मुझे नूडल्स या फ्राइड राइस ही खाने दोबारा से। यहाँ फंस गया है, इससे उतरा नहीं जा रहा है, इसको उतारती हूँ मैं। चिल्ला रहा है पर उतर नहीं पा रहा है, इसकी मम्मी ने सुना और छोड़ के चली गई। तो कोशिश करती हूँ अगर ये मेरे हाथ में आता है और नीचे उतरता है तो। ओ बेबी फंस गए हो आप वहाँ पे, उतर नहीं पा रहे हो। बहुत सारे बिल्ली के बच्चे हैं, बहुत सारे, लाइक 4-5। भाग गया वो उधर की तरफ, मैं उसको ही हेल्प कर रही थी पर उसको मेरी हेल्प नहीं चाहिए, डर रहा है मुझसे। मेरी हेल्प नहीं चाहिए उसको, जा रही हूँ मैं डिनर करने के लिए, नहीं चाहिए इसको मेरी हेल्प। ओके सो मैंने दोबारा से कोशिश करी उस बिल्ली के बच्चे को नीचे उतारने की, पर वो मुझसे डर जाता है बार बार, वो तब से वहीं फंसा हुआ है। होप सो उसकी मम्मी उसकी हेल्प कर दे। एंड यहाँ खाना डन, घूमना डन, मैं जा रही हूँ आज सोने के लिए। आज जल्दी सोऊंगी क्योंकि मुझे कल सुबह जाना है सनराइज़ देखने, जिसके लिए मुझे सुबह 3 बजे उठना है। तो बाय, गुड नाइट।